वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात करने के पहले यहाँ पे आप देख सकते एक बात जो है, यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे आप देख सकते पोजिशनल स्ट्रेटेजी लर्न करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी तकरीबन टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की, आप इनबॉक्स कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा है, जहाँ पे आप देख सकते कि 1 या 2 महीनों में आप लोगों को कॉल मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी है, यहाँ पे स्टॉक आप लोग यहाँ पे मेंटेन, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। बस सेल का कॉल गिरा तो गिरावट होती है, बाय का कॉल गिरा तो तेजी देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे गिरावट फिर तेजी, ऐसे कॉल्स आप लोगों को मिलेंगे स्टॉक के अंदर, जो कि अच्छी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो स्ट्रेटेजी के लिए। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की भी बात की जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे 1% ऑफ क्लोजिंग दिए, तकरीबन 80 लेवल के नीचे हल 5 ऐसे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 80 लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक तो ऊपर जाने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स टू रिमेन इन अ स्लिपरी। यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास न्यूज सामने नहीं है, तो फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मार्केट के आप देख सकते 1,13,000 करोड़ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, पॉइंट्स है, उसके ऊपर डायरेक्टली हम नजर डालेंगे। पी रेशो अच्छा है, बुक वैल्यू 90 रुपीज का है, डिविडेंड डील 10% का है, आरओसी 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। कंपनी के ऊपर लोन जो है 1,59,000 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट जो है 13,000 करोड़ का है। ईपीएस जो है 8 रुपीज का है। रिटर्न की बात की जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट देखने को मिले 49% की, सेल्स ग्रोथ 64% ऑफ है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिए है। इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की है, टोटल एसेट 4,50,000, इविटा 7 का है, इक्विटी कैपिटल है 14,000 करोड़ के ऊपर, डेप टू इक्विटी 1 रुपए के ऊपर है, डेप टू इक्विटी 1.26 है, थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। डिविडेंड पेआउट 46% का है, प्रमोट होल्डिंग 51% अच्छी खासी है। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 18,000 करोड़ का है हर साल। चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। उसके पहले यहाँ पे पॉजिटिव जो बातें हैं, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.89 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर, स्टॉक प्रोवाइड अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। नेगेटिव एक ही बात है, जैसे कि कंपनी ने पोअर सेल्स ग्रोथ दिए पिछले 5 सालों में, वो भी पॉजिटिव है, फिर भी यहाँ पे देख सकते पोअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। देख सकते कि क्वार्टरली नतीजे देख सकते हो, पिछले 7-8-10 क्वार्टर के नतीजे देख सकते हो वीडियो पॉज करके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पिछले 10 सालों का भी देख सकते हो वीडियो पॉज करके, तकरीबन प्रॉफिट भी देख सकते, अच्छे प्रॉफिट देखने को मिला है। कोविड का ईयर छोड़ने के बाद जो है एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले। बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे बैलेंस शीट पे नजर डाली जाए तो शेयर कैपिटल 13,000 करोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं। फिर रिजर्व शेयर जो है 1,13,000 करोड़, बोरोइंग 1,59,000, सेप्टेम्बर क्वार्टर में बोरोइंग बढ़ चुके हैं, डेब्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फिक्स एसेट 1,72,000 करोड़ के, वर्क इन प्रोग्रेस 43,000 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 50,000 की है। तो देख सकते कि अगला जो है चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। तो चार्ट के ऊपर नजर डालने के पहले देख सकते कि इस मंथ में एक अच्छी तेजी पकड़ी है स्टॉक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, क्योंकि लास्ट मंथ में गिरावट देखने को मिली थी, पर देख सकते कि जो लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक 79, उसको ब्रेक किया है स्टॉक ने। पर इंपॉर्टेंट है 80 लेवल के ऊपर सेटल होना चाहिए स्टॉक। 80 लेवल के ऊपर सेटल होता है तो देख सकते कि अच्छा प्रेशर बाइंग साइड में जाने के लिए मिल सकता है। फिर से एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक के लिए, पर 80 लेवल के ऊपर सेटल होना चाहिए स्टॉक। पर 80 लेवल के ऊपर सेटल होता है तो 80 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी, और नीचे आता है स्टॉक फिर से तो देख सकते कि तकरीबन 79-77 लेवल ऐसे ऑर्डिनल लेवल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे।